हमारे करौली से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अतेवा, अतेवा में एक मंदिर निर्माण की निर्माण किया गया। उस निर्माण कार्य के लिए समुदाय के द्वारा पैसा दिया गया, जबकि सरपंच ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया है और उस निर्माण दीवार निर्माण पर अपना नाम लिख दिया है। बाबा से सरपंच ने कहा था कि आप जो है इस निर्माण कार्य को पूरा करवा लें, बाबा मैं आपको ये राशि या तो आप जिस फर्म को संस्था कहीं उसको दे दूंगा या आपको नगद के रूप में दे दूंगा। ऐसा करते हुए 2 साल पहले ये काम पूरा हो गया, लेकिन सरपंच ने राशि नहीं दी। महाराज श्री ने जब उनको कहा था कि भैया जो हमारे आश्रम के विकास के लिए जो राशि 2 लाख रुपये आए हैं वो आप हमें दे दीजिए, तो सरपंच ने कहा कि बाबा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आपसे जो बनता है वो कर लें। बाबा ने जब उस बोर्ड का विरोध किया कि आप यहाँ ग्राम पंचायत निर्माण का बोर्ड ना लगाएं, क्योंकि इस पूरे निर्माण कार्य में मेरा स्वयं का पैसा लगा हुआ है, मैंने सारा पेमेंट किया है, तो उन्होंने बाबा के साथ अनर्गल बातें की, बाबा को झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी। विधायक कोसे से उन्होंने उस दीवार का निर्माण कराने के लिए 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि सरपंच स्वरूपी पत्नी कन्हैया गुर्जर ने उस दीवार का निर्माण नहीं कराया और सरकार से फर्जी वाउचर लगाकर 2 लाख रुपये हासिल कर लिए। आपके पास में ज्ञापन गया, उसमें सारी चीजें लिखी है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार की बुआ किस किस तरीका से हुआ है। आप इस पर जांच बैठाइए, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, आप 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का सौदा मत कीजिए। यहाँ पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन हमें यहाँ पर ग्राम पंचायत में हुए संपूर्ण विकास कार्यों की ECD जाँच करवाए और सत्यता को जनता के सामने लेकर के आए। इसी तरह प्रशासन आँख मीच कर बैठा रहा तो सरपंच पता नहीं कितने घोटाले करते होंगे। मैं चाहती हूं कि सरपंच के प्रति कठी से कठी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सरपंच ने जितना भ्रष्टाचार किया है उसको देखा जा सके और सरकार को तुरंत इसके लिए जांच कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें मुख्य अधिकारी जिला परिषद करौली का नंबर है 074-64-250-630। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।